तीन दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वो भी कहता है मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं, वहां मैं उनके कहां पे है बीच में, हालेलुया, वहां उनके बीच में है। तो एक आदमी अगर प्रार्थना करे इसका मतलब परमेश्वर सुनेगा, वहां परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है, यहां तो दूसरे शुरू हुआ है। तो ये दो कौन है मेरे भाई, आप कभी सीखे कभी आप सोचे कौन है, चलिए बहुत कुछ प्रयास किया था भाई ने, मैं आपने आता हूं, हालेलुया, कम से कम कोशिश तो हुआ था, हालेलुया, वही मैं चाहता हूँ, चाहे आप गलत कीजिए चाहे सही कीजिए, आप बोलेंगे नहीं तो आपको मैं कैसे सिखाऊं, को इधर से दिखता है ना को इधर से दिखता है, हालेलुया, कुछ तो बोलिए, आप वो सही हो चाहे गलत, हम यहाँ हम भी आपसे सीख रहे हैं, आप भी मुझसे सीखिए, और हमने आपको शुरू में ही कहा हम लोग जाल कहाँ फेंकेंगे, गहराई में, ऊपर में नहीं, नहीं तो चिंगड़ी में, हालेलुया, हालेलुया। तो ये तू कौन है, किसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां मेरे नाम से दो या तीन एकत्रित होते हैं वहां में उसके उपस्थित होते हैं, तो ये दो गुण है, इसका मतलब राइट एकदम सही बात है कि एक आदमी अगर रहेगा तो उसके बीच में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं, ये सही है, ये सही बात है, लेकिन ये दो कौन है, ये चीज को हमें समझना जरूरी है, हालेलुया, ये चीज को हमें